This is my voice one day in India. This is my voice 2 weeks in India. This is my voice 1 month in India. Jai Shri Ram. ये बढ़िया था गुरु. तो जय श्री राम मेरे सभी राष्ट्रवादी मित्रों को. स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल द मॉन्क बाबा पे. दोस्तों आज के वीडियो का मेन फोकस इस आदमी पर होगा और साथ ही राष्ट्रवाद से जुड़ी कुछ फनी क्लिप्स और कुछ सीरियस क्लिप्स भी होंगी. तो सबसे पहले लाइक और कमेंट कर दीजिए और जो राष्ट्रवादी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. दोस्तों वीडियो की रीच को बनाए रखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं. कितना घर है मुसलमानों का? हम लोग 10-15 घर. सिर्फ 10 घर है. आदिवासी लोगों का कितना घर है? इसमें होगा 400-500. 500 घर है आदिवासी का, उसके बावजूद 10 घर मुसलमान का है, उसके बावजूद भी आप लोग आदिवासी लड़की के घर में घुस के रेप करते हैं, ये सही है क्या? हम कर रहे हैं सर. जो हमको डांटते हैं हम किए हैं. अरे बदमाश पागल था इसलिए थोड़ा सा कर दिया, तो पूरा गाँव में पूछिए तो इतना दिन हो गया. थोड़ा सा काम जो है उसकी भी बेटी है ना, एक उसकी बेटी के साथ कोई करेगा तो आप क्या करेंगे? फिर बोल रहे हैं सर, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए. वही थोड़ा सा काम जो है पागल है उसको सजा देना चाहिए, वो तो जेल गया. ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए. ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए. सही बात है. इनका दुकान चलता है, इनके दुकान से सभी लोग यहीं के लोग सामान खरीदते हैं और ये लोग जो है दूसरे किसी के घर में घुस के जो है आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करते हैं. बलात्कार नहीं किए हैं सर. आप जो है इतना डांट के कर, हम बलात्कार नहीं किए हैं. उसका दिमाग खराब है, पूरा बस्ती से पूछिएगा तो आप. बलात्कार किया कि नहीं किया? किया है सर. बलात्कार किया कि नहीं किया? किया है. बलात्कार किया कि नहीं? किया है. बलात्कार किया कि नहीं उसने? किया है सर. शाबाश बेटा. दोस्तों इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे, अवध ओझा नाम है इनका. एक यूपीएससी टीचर कम यूट्यूबर ज्यादा है. नाम से तो एक ब्राह्मण है पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई झोल रहा होगा, तभी इन्हें इस्लाम को ज्यादा ही पसंद है. ये अपने विद्यार्थियों को यूपीएससी की पढ़ाई कम और इस्लाम का ज्ञान ज्यादा देते हैं. इनके यहां से पढ़कर विद्यार्थी आईएएस भले ही ना बने पर एक कट्टर सेक्युलर या एक कट्टर मुसलमान तो बन ही जाएंगे. आप भी देखिए इनका इस्लाम प्रेम. वो सिर्फ दानिश फिरोज शमसी के नहीं है, हमारे भी हैं. अब राम को कोई अपना ना माने तो मैं क्या करूं? मैं तो मोहम्मद को अपना मानता हूँ. तुम राम को ना मानो तो मैंने ठेका ले रखा है. अब हम तो गाना गाएंगे, अरे खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए. अब हम वहाँ राम थोड़ी लगाएंगे, अरे राम तू बोल दे अपने बादलों को. इस्लाम कहता है काफिर मतलब हिंदू. कौन बोला तुमको? अरे नहीं, वो गुड्डू भैया बता रहे थे, कह रहे थे कि औरंगजेब जो है वो हिंदुओं को मार रहा था. अच्छा, वो जयसिंह जो थे वो हिंदू नहीं थे, जो शिवाजी को लेकर आए थे डेक्कन से आगरा? सबसे खास दोस्त थे औरंगजेब के जयसिंह. नहीं नहीं, औरंगजेब मारता था तो आप गलत हिस्ट्री पढ़े. नहीं, हम तो हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है. जैसे हमारे गांव में कहानी सुनाई अभी, औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे. 10,000 शुरू में हमको लगा बहुत बदतमीजी आदमी है. एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था. तो बेचारे समझदार आदमी ने कह दिया तो बोले 10,000 पर डे तो मान लो साल में 300 दिन है, 10,000 में जीरो बढ़ा तो कितना हुआ? मैंने कहा 1,00,000 का. फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिया, फिर मैंने कहा 10,00,000. तो बोले कि एक साल में वो 30,00,000 पंडितों को मारता था. मैंने कहा कि 50 साल उसने शासन किया तो एक साल में 30,00,000 तो 50 साल में 15 करोड़ और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़. तो तुम कहां से बचे हो? उसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है. मार दिया अमेरिका को दो हाथ लगा के, ट्विन टावर पूरी दुनिया जानने लगी उसामा बिन लादेन. ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की. एक ही बार मारा, इसको बोलते हैं सपना. हिंदुस्तान का सबसे महान राजा अशोक और वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया का सबसे महान चंगेज खान किसी एरिया को कब्जा करता था तो ह्यूमन स्कल की मीनार बनाता था, ह्यूमन स्कल की. फिर जब वो इंस्पेक्शन करने आता था तो उसके साथ कोई नहीं आता था. अगर उसको किसी भी स्कल में डिफेक्ट दिखाई पड़ा, इमीडिएट रिप्लेसमेंट, इमीडिएट ये वर्मा जी का निकाल के लगा दो. किसी को नहीं पता वो कैसे मरा, कब मरा, कहां दफन है, आज तक नहीं पता. और उसके मरने के बाद 10 साल, 10 ईयर्स, नॉट 10 डेज, नॉट 10 मंथ्स, 10 ईयर्स, हिज एंटायर एम्पायर वाज रनिंग स्मूथली. यू कैन इमेजिन हिज फियर इन हिज पीपल. किसी ने बगावत ही नहीं की क्योंकि लोगों को पता था कि अगर लौट आया तो उस कल का ताजमहल बनवाएगा. देखा आपने दोस्तों, जो विद्यार्थी इनकी बातों को सीरियस लेते होंगे उनके मन में तो हिंदू धर्म बुरा और इस्लाम बहुत अच्छा बन जाता होगा. ऐसे अध्यापक हमारे देश और धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है. ऐसे लोग तो मौलानाओं से भी खतरनाक है. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है. बात तो सही है. Hey, y'all, come look at this. ये मजबूर हैं पर आप नहीं. बोटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा. अब बात करते हैं आज के सोशल मैसेज की. पहले आप ये क्लिप देखिए. गणपति का चंदा. अरे क्या अंकल, 70 रुपया दे रहे हो, वो 50 रुपया दिए, तुम 70 दे रहे हो. आप लोग अपने त्योहार के लिए ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा?
तरी देवा सरनयो भोग कशा पाई हरवाली वाट दिशा अंधार ल्या धाई। भाई लेते क्या इनसे? अरे तेरे को पता है ना अपना इनके साथ 36 का आंकड़ा है, जब अपने लोग ही अपने को नहीं दे रहे तो ये लोग क्या देंगे। चल किसने दिया? यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हिंदू दुकानदार कितना बुरा है और मुसलमान दुकानदार बहुत अच्छा है। ऐसे टिकटॉक वीडियोस बनाकर ये लोग हमारे बच्चों को सेकुलर बना रहे हैं, अपने ही धर्म से दूर कर रहे हैं। कृपया ऐसे भ्रमित करने वाले वीडियोस से दूर रहें और अपने परिवार और बच्चों को भी दूर रखें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस बीजेपी को आज से 5 साल पहले कोई सूंघता नहीं था, जिसकी 10 राज्यों में सीटें नहीं आती थी। पूरा दृश्य बदल दिया। एक आदमी ने फील्ड में उतर के, नजारा ही बदल दिया। फील्ड का परीक्षण है ये फील्ड का परीक्षण है कि 5 साल में एक दिन रेस्ट नहीं दे। बीमार भी होने का टाइम नहीं है, बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मैं भलर छींक छां भू भू कभी देखी मोदी जी के आपने ऐसे करते? और कभी ऐसे देखा ढीलू ऐसे देखा कभी? जिसमें सपनों की एनर्जी होती है ना, उसको बीमार होने का भी टाइम नहीं मिलता। सीखो देश के लीडर से। हाँ हाँ हाँ, वो देखो लिबरल का चोदा, इसे लगता है ये वो और इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि इसे लगता है ये सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म का मतलब भी नहीं पता, लुड़े को भाग जा यहाँ से लौड़े। बिना किसी बात के माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है बोलता रहता है, और माइनॉरिटीज कुछ कर ले उनका बचाव कर ही देता है किसी न किसी तरह। देश दुनिया की कोई खबर नहीं रखता है, सब न्यूज चैनल्स मोदी ने खरीद रखे है, बोलता फिरता है और न्यूज के नाम पर द वायर, द विंड और मीम पेजेस पर न्यूज देखता है। कोई भी इसकी सोच को गलत बोल दे तो उसे भक्त बोल देता है और सोचता है बहुत अच्छा कम बैक कर दिया। फैक्ट्स के नाम पर सिर्फ ध्रुव राठी की वीडियो देख के उसके पॉइंट बोल देता है और कोई उसका काउंटर कर दे फैक्ट्स बोले तो मोदी भक्त और अंधभक्त बोल देता है। छोड़ो यार, ऐसे लोग तो अपने बाप के भी सगे नहीं होते। इनका बस चले तो आधार कार्ड बाप के नाम में ध्रुव राठी का नाम लिखवा दें और इंद्रे का प्रधानमंत्री स्वरा भास्कर को बना दें। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। जिन मित्रों ने मुझे अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, कृपया हमारे साथ को मजबूत करने के लिए वहाँ भी मेरा साथ दीजिए। तो दोस्तों मॉन्क बाबा मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय जय श्री राम।